डिंडोरी में पिछले 12 दिनों से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नर्मदा पुल पर काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन कर रहे आजाद अध्यापक संघ ने प्रदेशाध्यक्ष के निलंबन आदेश की प्रति को जलाया और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ नारे लगाए। काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे शिक्षकों ने प्रदेशाध्यक्ष की बहाली की मांग नर्मदा पुल पर धरना प्रदर्शन कर रहे आजाद अध्यापक संघ के शिक्षकों को शनिवार के दिन जबलपुर जिले के प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षक भरत पटेल को जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया, उसकी प्रतियां धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के पास पहुंच गई और संघ का विरोध और तेज हो गया। आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शहीद खान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष भरत पटेल शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रयासरत है, अधिकारियों से वार्ता करने भोपाल में अपने साथियों साथ डटे हैं और जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश निकाल दिया, ये बिल्कुल गलत है, निलंबन आदेश को वापस लेना पड़ेगा। शिक्षक अपनी जायज मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रमोद वर्मन, छवि नागेश, सुखदेव बर्मन, तेजु व्यवहार, रामलाल रजक, उत्तम चौकसी, मनीराम व्यवहार, सोनाली पांडे, रेणुका मरावी, सुदामा नाथ गोस्वामी, राधा माधवी शर्मा, सेवाराम गढ़े, मनी नामदेव, मुकेश उइके, इखलाक खान, संतोष वैश्य सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। चार वर्षों से हम अवकाश काल पर ही अपनी बात काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे शिक्षकों ने प्रदेशाध्यक्ष की बहाली की मांग नर्मदा पुल पर धरना प्रदर्शन कर रहे आजाद अध्यापक संघ के शिक्षकों को शनिवार के दिन जबलपुर जिले के प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षक भरत पटेल को जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया, उसकी प्रतियां धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के पास पहुंच गई और संघ का विरोध और तेज हो गया। आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शहीद खान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष भरत पटेल शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रयासरत है, अधिकारियों से वार्ता करने भोपाल में अपने साथियों साथ रहते हैं और जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश निकाल दिया, ये बिल्कुल गलत है, निलंबन आदेश को वापस लेना पड़ेगा। शिक्षक अपनी जायज मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रमोद वर्मन, छवि नागेश, सुखदेव बर्मन, तेजु व्यवहार, रामलाल रजक, उत्तम चौकसी, मनीराम व्यवहार, सोनाली पांडे, रेणुका मरावी, सुदामा नाथ गोस्वामी, राधा माधवी शर्मा, सेवाराम गवले, मनी नामदेव, मुकेश उइके, इखलाक खान, संतोष वैश्य सहित सैकड़ों शिक्षक मौजूद रहे। 6 बजे के लगभग आदेश हमारे प्रांत अध्यक्ष भरत पटेल। काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे शिक्षकों ने प्रदेशाध्यक्ष की बहाली की मांग नर्मदा पुल पर धरना प्रदर्शन कर रहे आजाद अध्यापक संघ के शिक्षकों को शनिवार के दिन जबलपुर जिले के प्राथमिक शाला में पदस्थ प्रदेशाध्यक्ष एवं शिक्षक भरत पटेल को जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबित किया, उसकी प्रतियां धरना प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों के पास पहुंच गई और संघ का विरोध और तेज हो गया। आजाद अध्यापक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शहीद खान ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष भरत पटेल शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रयासरत है, अधिकारियों से वार्ता करने भोपाल में अपने साथियों साथ डटे हैं और जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन आदेश निकाल दिया, ये बिल्कुल गलत है, निलंबन आदेश को वापस लेना पड़ेगा। शिक्षक अपनी जायज मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रमोद वर्मन, छवि नागेश, सुखदेव बर्मन, तेजु व्यवहार, रामलाल रजक, उत्तम चौकसी, मनीराम व्यवहार,